Assalamualaikum students, today we are talking about the force, the very basic and fundamental topic of the physics. Force can be defined in multiple ways, there are a lot of definitions you will find. So today we will cover all the aspects of force and its definition. At first, the very basic definition we say that it is a push or pull that is known as force. So when we push something or when we pull something towards ourselves or towards away from ourselves, that we apply at that time the force. So if we can also define the force by second law of Newton, F is equal to ma. So this is also a definition of a force. When we apply some force to a object that has some mass m, it will produce acceleration in it, and we can say that we have applied the force on that object. And the actual definition that is in your book, that is, a force is an agent which tends to produce rest or motion in a body, that is known as force. मतलब असां इन्हीं चाहिए तो फोर्स एक ज़रियो एक एजेंट आ जो कें भी जिस्म में सुकून वाली हालत या चुरपुर पैदा कदें कोई जिस्म चुरपुर में आए तो फोर्स लगानो पव उन साकिन वाली हालत में आने लाए. अगर कोई जिस्म ऑलरेडी साकिन हालत में आए वो रेस में आए तुमके मूवमेंट कर चाहोता मूव कर चाहोता चुरपुर कर चाहोता तो अप्लाई करो पव फोर्स उनके मूव करण लाए उन चुरपुर करण लाए. तो यह असि सिंपल डेफिनेशन थी जो बुक के हिसाब से है तो force is an agent which tends to produce rest or motion in a body. And b una ka ilawa ek definition force ji, the force is also rate of change of momentum. Force is also rate of change of momentum. F is equal to delta p over delta t. So today we will also prove that how the force is a rate of change of momentum. मोमेंटम की जगह असं गाल क्यों तो मोमेंटम होंगे मोमेंटम होंगे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. कें भी जिस कें भी ऑब्जेक्ट या कें भी जिस्म में अगर मास आई उनमें वेलोसिटी प्रोड्यूस थे तो असं उन चाहिए तो उनका मोमेंटम है. ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द मोमेंटम और ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी ग्रेटर विल बी द मोमेंटम. हेयर वी आर सेइंग दैट फोर्स इज ऑल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो let's prove that how the force is equal to rate of change of momentum. If we see that F is equal to delta p over delta t, here we say that p is equal to m dot v. It means p is the product of mass and velocity. So we will replace the p with m dot v over delta t. So delta change will be in the mass और चेंज विल बी इन द वेलोसिटी. इफ़ वी थिंक दैट मास इज रिमेन कॉन्स्टेंट, अगर असं सोचने की गाल तो मास हमेशा कें जिस्म जो कॉन्स्टेंट हों वो चेंज ना उनके जो चेंज इंदी जो मोमेंटम चेंज थो वो वेलोसिटी के चेंजिंग वेलोसिटी जो है चेंजिंग मोमेंटम प्रोड्यूस कंदी. तो हि अस इक्वेशन थी एम डॉट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. इफ तो इतने ऐसो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी असें खबर आ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी जो बराबर होंगी एक्सलरेशन के. देयर फोर वी कैन राइट एम डॉट ए. सो यू कैन कंक्लूड डेट एम डॉट ए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एम डॉट ए इज इक्वल टू फोर्स. सो हेयर वी हैव प्रूव्ड एफ इज इक्वल टू एफ. नाउ वी कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स. सो फोर्स इज अ वेरी basic and fundamental topic of the physics. If we talk about the unit of a force, so because it's a quantity and we have to measure the quantity, we have also talked in the topic in quantities that quantity can be measured. We measure a quantity by a unit. Kai bhi quantity agar asange measure karni hundi ta asa unhe je lai ke eka hunda hai ta f is equal to ma. Asan jo unit a wo equation ma आसानी से कढ़ी सकता हूँ. तो एफ इज इक्वल टू एम ए. एम जो है इतने वो मास आई तबर अस मास के मेयर क्या किलोग्राम में अकॉर्डिंग टू एस आई सिस्टम. एक्सलरेशन जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ. तो एफ जो अस यूनिट आ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनके अस चाहिए न्यूटन. सो इन असा यूनिट में एक न्यूटन की डेफिनेशन भी बुधा सकता हूँ. तो अगर
हिते हिकिड़ो सवाल अराइज़ थिए थो त न्यूटन छा हूंदो आहे। अगरि असां हिकिड़ो न्यूटन फोर्स अप्लाई कयूं था, हिनजो मक़सदु छा हूंदो आहे? इन जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त जेकॾहिं तव्हां हिकु किलोग्राम जिस्म ते फोर्स अप्लाई कयो ऐं उन में हिकु मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी एक्सलरेशन प्रोड्यूस थिए, त असां चवंदासीं त असां उन जिस्म ते हिकु न्यूटन फोर्स अप्लाई कयो आहे। यानी कि इहा हिकु न्यूटन जी डेफिनेशन बि थी वई त हिकु किलोग्राम मास में जेकॾहिं हिकु मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलरेशन प्रोड्यूस थिए त असां चवंदासीं उन ते असां हिकु न्यूटन फोर्स अप्लाई कयो आहे। ऐं अगरि असां फोर्स जी डायमेंशन जी ॻाल्हि कयूं त हिते यूनिट सां गॾोगॾु आसानी सां असां डायमेंशन बि कढी सघूं था। एफ इज़ इक्वल किलोग्राम ॾिसो मास आहे, ऐं मास जो डायमेंशन असां कैपिटल एम सां लिखंदा आहियूं, ऐं मीटर लेंथ आहे, लेंथ जो डायमेंशन असां कैपिटल एल सां लिखंदा आहियूं, ऐं डिवाइड में आहे टी स्क्वायर, छो त सेकेंड आहे, सेकेंड जो डायमेंशन टाइम जो डायमेंशन टी स्क्वायर हूंदो आहे। ऐं तव्हां हिनखे इअं बि लिखी सघो था एम एल टी इनवर्स 2, छो त पावर माइनस में थी वेंदो, डिवीजन में मथे खणी वेंदो त पावर माइनस में थी वेंदो। सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट दी फोर्स। थैंक यू फॉर सिंगल इट।